संकल्प जो आप सुना रहे थे खुले मन से कर देना। मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। बोल दो जरा एक बार, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। टेंशन आपकी चली जाएगी। 3 बार 5 बार संकल्प करना। और अगर आपका कमरा अलग है बिल्कुल, तो जरा खुले दिल से कर देना, हाथ ऊपर उठा के ऐसा कर देना कि आकाश भी सुने, चांद तारे सूरज सुन ले, नीचे से आवाज आ रही है कुछ, कौन हूं मैं? बहुत भाग्यशाली। ये सच है बात। नीचे से आपकी तरंगें पहुंचेंगी। जब मनुष्य खुले मन से कुछ संकल्प करता है तो ये ब्रह्मांड वाइब्रेट होने लगता है हमारे संकल्पों से। ये बहुत बड़ी फिलोसफी है। अगला संकल्प करना, मैं बहुत सुखी हूँ। ये भूलना नहीं, मैं बहुत सुखी हूँ। हे शिव बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं बहुत सुखी हूँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अपने परम पिता को शुक्रिया करना। अगला संकल्प करना, मैं बहुत धनवान हूँ। और अगर आपके ऊपर या किसी के ऊपर कहीं कर्ज हो तो सच्चे मन से संकल्प कर देना, मैं कर्ज से मुक्त हूँ। चमत्कार देखना इस संकल्प का, मैं कर्ज से मुक्त हूँ। वही काम करने लगेगी चीजें आपके साथ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस एक संकल्प के भी हमने मैजिक देखे, जादू देखे लोगों के साथ होते हुए। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये सवेरे के सुंदर संकल्प आपको बहुत सुखद फीलिंग देंगे, जीवन की यात्रा को आनंद से भरेंगे। ये कुछ बातें हैं जो मन के बारे में आप याद रखना। मैं 2-3 बातें आपके सामने और रखना चाहता हूँ, जिनसे आपके मन की स्पीड स्लो डाउन हो, जिससे आप परेशान ना हो, जिससे आपके संबंधों में स्वीटनेस आ जाए। बहुत जरूरी हो गया है आजकल संबंधों में मिठास घोलना, बहुत जरूरी हो गया है। आप अपने से बातें करेंगे, मेरा ईगो इम्पोर्टेंट है, अहम, मेरा ईगो इम्पोर्टेंट है या मेरे स्वीट संबंध इम्पोर्टेंट है? क्या इम्पोर्टेंट है? संबंध। मनुष्य के पास खाने की रोटी भी कम हो ना, और प्यार बहुत हो परिवार में, तो आधी रोटी में पेट भर जाता है। और झगड़े हो, सब कुछ भारी हो जाता है घरों में। इसलिए अच्छे और समझदार बुद्धिमान मनुष्य को झुककर चलने की आदत डालनी चाहिए। मैं ही राइट हूं, मैं क्यों चेंज हूं, तुम्हें होना है। मैं राइट हूं, तुम गलत हो, इस पे झगड़े होते रहना, इससे जरा बचेंगे सभी भाई बहने। ईगो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट हमारे मधुर संबंध हैं। देखिए, स्त्री पुरुष का संबंध कितना समीप का संबंध है। दोनों जीवन साथी हैं, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, और दोनों में टकराव हो तो मजा नहीं आता जीवन का। बच्चों पर भी बुरा असर आता है। सभी ध्यान देंगे, झुकना है या झुकाना है? पक्का सभी, या झुका के मजा आता है? मजा तो आता है, पर फिर मजा बिगड़ भी जाता है। इसलिए जो झुके वही महान। अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने परिवार में शांति के लिए, बहुत अच्छी हारमनी रहे परिवारों में। हमारी दादी थी ना प्रकाशमणि, एक बार हमारे यहाँ हारमनी ये टॉपिक रखा गया था, समाज में हारमनी।
अब इंग्लिश तो बुजुर्गों को कम आती है, उन्होंने एक सीधा सा शब्द बोल दिया, हार मान लो तो हारमोनी हो जाएगी। सबको बड़ा पसंद आ गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, सारी दुनिया से लोग आए हुए थे 3,000। हार मान लो, मनुष्य हार ही तो नहीं मानता, यहाँ हमें हार माननी है। जीवन में हार नहीं माननी, निराश नहीं होना है, असफलताओं से हारना नहीं है, लेकिन संबंधों में थोड़ा झुक कर चलना जीवन के लिए बहुत अच्छी बात है। इस पर सभी ध्यान देंगे, यहाँ आए हैं तो आपके जीवन की यात्रा बहुत सुखद हो। थोड़ा सा अपने को चेंज करके जाएंगे, अपने विचारों को चेंज करेंगे, नहीं तो क्या घर में जरा सा मनमुटाव हो, आप काम पर जाएंगे, अपने बिजनेस पर, उस मनमुटाव की छाया दिमाग पर रहेगी, उसकी छाया वहाँ पड़ेगी, जीवन का मजा बिगड़ जाता है। आपको धन भी मिल जाए लेकिन सच्चा सुख शांति प्रेम न मिले तो जीवन में मजा बहुत कम आता है। दूसरी बात मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। राइट बात है। आप किसी भी बात के बारे में पीछे मुड़कर देखो, एक हफ्ता पहले, 15 दिन पहले आपके साथ कुछ हुआ था, आपने बहुत सोचा था, और जब रियल बात सामने आई थी तो आपको लगा होगा हमने ऐसे ही सोचा, ये तो था ही नहीं, हम यूं ही सोचते रहे, ऐसे ही परेशान होते रहे। ज्यादा सोचने की आदत को ठीक करेंगे, और इसका तरीका यही है कि सवेरे उठ के मन को सुंदर विचार दे दो, बस वो विचार आपके मानस पटल पर छाए रहेंगे और विचार कम से कम आएंगे। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या आखिरी सुंदर बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आज मनुष्य में होल्डिंग नेचर बहुत हो गई है, बातों को पकड़ कर रखने की आदत। कोई भी बात दिमाग में रख ली है, सदा के लिए रख छोड़ी है, दूसरों के लिए भी रख ली है, ये व्यक्ति ऐसा ही है, ये व्यक्ति बड़ा खराब है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो एक निगेटिविटी अपने अंदर में रख ली, वो तो खराब है लेकिन उसकी खराबी तो हमने रख ली ना। और मैंने आपको बताया था कि हमारा हर संकल्प एनर्जी पैदा करता है, जो बातें हमने पकड़ के दिमाग में रख ली हैं उनसे बैड एनर्जी लगातार पैदा हो रही है, वही बीमारियों का और अनेक समस्याओं का कारण है। इसलिए छोड़ते चलो, जो कुछ आज तक हो गया उसको फुल स्टॉप लगाना है। मैंने एक बहुत अच्छी बात सीख ली थी जीवन में, वो दो रूपों में मैं आपको सुना देता हूँ। जो व्यक्ति बातों को होल्ड करके रखता है, जो व्यक्ति बातों को पकड़ के रखता है, उसके सामने से अवसर रोज आते हैं लेकिन निकल जाते हैं, क्योंकि वो बातों में उसकी एनर्जी लगी हुई है। बातों को पकड़ कर न रखो, सुंदर अपॉर्चुनिटी आपके पास रोज आ रही है, सुंदर अवसर आ रहे हैं आपके पास रोज। एक बात और, भाई गीत बजाया है तो ठहर जाओ, एक बात और, आपका कोई साथी बिजनेस में बहुत आगे बढ़ रहा है, आप दोनों साथी थे, दोनों गुड फ्रेंड थे, वो तेजी से आगे निकल गया, नाम हो गया उसका, काम बढ़ गया, धन बढ़ गया, अब आपको उससे ईर्ष्या होने लगी थोड़ी थोड़ी, ध्यान देंगे इस सीक्रेट पर, तो उससे आपको ईर्ष्या नहीं हो रही है, किससे हो रही है, उसकी प्रोग्रेस से, उसकी सफलताओं से। तो जिस चीज से हम ईर्ष्या करते हैं वो हमारे पास कभी नहीं आती, तो प्रोग्रेस हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करो,
ये बहुत भाग्यवान हैं, बड़े मेहनत करने वाले हैं, रुके नहीं। देखो बाधाएं तो इनको भी आई, बढ़ते गए बढ़ते गए, तो सफलता आपके चरणों में भी आ जाएगी। तो ईर्ष्या नहीं, एप्रिसिएशन। तो आप बहुत अच्छा अपने मन को सवेरे उठकर और सोने से पहले आज का जो भी इधर ऐसा वैसा भरा था उसको खत्म करके सोएंगे तो जीवन की यात्रा बहुत सुंदर हो जाएगी।